सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज आप लोग यहाँ पे किस चीज़ के लिए बैठे हैं? आज क्रमे कंसन के लिए बैठे हैं और सब जगह हम कर आए हैं। एसपी ऑफिस भी गए, सीओ साहब के पास भी, सब ने यही दिलासा दिया है। 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। 12 लाख की चोरी हुई थी, आज तक उसका खुलासा हो गया, बैग मिल गया, चांदी भी दिखा दी, लेकिन गोल्ड जो उसमें 10 लाख का, तो वो हमें बिल्कुल नहीं मिला। जब भी जाते हैं सर आप बताइए क्या प्रोसेस है, वो यही बताते हैं कि आपका माल मिल जाएगा। 3 महीने हो गए। अब यहाँ जराखर में कमिश्नर साहब आए थे तो मैं उनके पास भी गई थी, तो वो ये बोल रहे थे कि चोर पकड़ा गया है, वो नाबालिग है। सर्वेज जिसके पास बैग मिला है तो बता रहे थे हम उसको दोबारा पकड़ेंगे और आपका जो माल है हम पूरा दिलाएंगे। कब तक दिलाने की मांग की थी? उन्होंने समय कुछ नहीं बताया। तो आप अनशन पे कब तक बैठेंगे? जब तक हमारा माल नहीं मिलेगा यहीं बैठेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको पुलिस की इसमें भूमिका संदिग्ध है? हाँ, हमें तो लग रहा है, क्योंकि वो सब सीओ साहब तो ये बता रहे हैं, माल भी बता रहे हैं, और कुछ हमने कम भी लिखवाया था। सीओ साहब अब ये बता रहे हैं कि आपने इतना कम माल लिखवाया है, पूरा नहीं लिखवाया, तो उनको कैसे पता है? चोर तो इतने ईमानदार हैं नहीं कि वो ये बता दें कि आपने इतनी चैन कम लिखवाई, सब कुछ बता रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। हमने सर आप ये भी तो पूछ लीजिए उनसे कि हमारे घर में एंटर कैसे हुए, तो बता रहे ये नहीं बता रहे। हमने कहा आपसे ये नहीं हो पा रहा तो बताइए फिर क्या कर रहे हैं। हमने कहा तो हम सर कहाँ जाएं, तो बोल रहे हैं अपनी जेब से भरेंगे। हमने कहा नहीं सर, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जेब से भरिए, हमें अपना माल चाहिए, तब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं बैठूँ। बैठे हैं, क्या वजह है और क्या मामला है? आज अनशन में बैठने का वजह है कि जो 11 लाख की चोरी हुई थी 3 महीने पहले उमा महान के घर से, तो 3 महीने तक सारा शासन प्रशासन का सारे चैनल फॉलो करने के बाद असहाय होकर के बेबस होकर के आज यहाँ बैठी हैं। और मैं इसलिए बैठा हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की तपोभूमि पर, कर्मभूमि पर महिलाओं को आना पड़ रहा है, तो उनके अनशन पर उनके सहयोग करने के लिए मैं आया हूँ। बात चोरी की नहीं है, बात सिस्टम की है कि कम से कम चोरी के लिए महिलाओं को अनशन के लिए नौबत आ जाए, तो बाकी क्या उम्मीद रखें। और हम आशा करते हैं कि मीडिया बंधु सब लोग आए हुए हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पक्ष में कहिएगा, लेकिन सच को पर्दा के पीछे से सामने लाने के लिए आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमें ही लग रहा है कि शासन प्रशासन के बाद जो 34वां स्तंभ होता है वो स्तंभ होता है आप जरूर न्याय दिलाएंगे महिलाओं को। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।